सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं वन प्लस की तरफ से लॉन्च होने वाले एक और नए मिड रेंज स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आपको वन प्लस के ही नोट सीरीज में देखने को मिलेगा। मतलब 2014 में जब पहली बार वन प्लस आया था, तब आपको वन प्लस की तरफ से ट्रू फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन अंडर 50,000 में ही देखने को मिलता था। लेकिन अभी के टाइम पर आपको वन प्लस के जितने भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन देखने को मिलता है, वो भाई आपको 50,000 के ऊपर देखने को मिलता है। और इस प्राइस कैटेगरी में अब बहुत सारे लोग वन प्लस को प्रीफर नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से वन प्लस अभी अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन के साथ अपने मिड रेंज स्मार्टफोन के ऊपर फोकस कर रहा है। और अब आपको जो नोट सीरीज में जो स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, उस स्मार्टफोन का नाम है OnePlus Note 2 CE। बेसिकली देखा जाए तो ये OnePlus Note 2 का कोर एडिशन है, जो कि वही बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं OnePlus Note 2 CE का फुल डिटेल स्पेसिफिकेशन, और उसी के साथ हम ये भी जानेंगे कब ये स्मार्टफोन ग्लोबली और इंडिया में लॉन्च होगा और किस प्राइस कैटेगरी में ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। आज के इस एपिसोड में मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के साथ आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि सबसे पहले मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप ही को पहुंचे। और भाई पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले डिस्प्ले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो यहां पर आपको नोड सीई की तरह प्लास्टिक फ्रेम के साथ पॉलीकार्बोनेट का बैक देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर आपको कोई भी चीप क्वालिटी का प्लास्टिक देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर आपको सैमसंग के मिड रेंज स्मार्टफोन की तरह बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक देखने को मिलेगा। और उसी के साथ अगर हम डिजाइन की बात करें तो रेंडर के हिसाब से देखें तो ये स्मार्टफोन आपको पूरा का पूरा वन प्लस नोड 2 जैसा देखने को मिलेगा। मतलब यहां पर आपको डिजाइन के मामले में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। मतलब यहां पर आपको डिजाइन के मामले में ना ही कोई अपग्रेड देखने को मिलता है, ना ही कोई डाउनग्रेड देखने को मिलेगा। और उसी के साथ अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो OnePlus के स्मार्टफोन में हमें डिस्प्ले के मामले में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलता है। और ठीक वैसा ही यहां पर आपको एक 6.4 इंच फुल एचडी प्लस फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 90 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट के साथ 600 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये एक एमोलेड डिस्प्ले है, इसलिए यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। और उसी के साथ अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो यहां पर आपको सामने की तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। और यहां पर आपको डिस्प्ले में ठीक ऊपर लेफ्ट साइड में एक छोटा सा पंचोल देखने को मिलेगा। लेकिन प्रोसेसर की बात करें तो नोड सीई में आपको स्नैपड्रैगन का 750G वाला चिपसेट देखने को मिलता था, जो कि एक 8 नैनोमीटर वाला चिपसेट था। लेकिन यहां पर आपको नोड 2 सीई में मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 वाला 6 नैनोमीटर वाला ऑक्टाकोर चिपसेट देखने को मिलेगा। मतलब बैटरी कंजप्शन के मामले में यहां पर नोड 2 सीई बहुत ही कमाल का होगा। और यहां पर यह चिपसेट 2.4 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड पर काम करता है। गेमिंग ग्राफिक्स के लिए यहां पर आपको आर्म माली G68MC4 का जीपीयू देखने को मिलेगा। उसी के साथ अगर हम राम एंड स्टोरेज टाइप की बात करें तो यहां पर आपको LPDDR4X के राम के साथ UFS 2.2 वाला स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। उसी के साथ अगर हम एंड्रॉइड एंड ओएस की बात करें तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 के साथ देखने को मिलेगा। और उसी के साथ अगर ओएस की बात करें तो ये स्मार्टफोन चाइना के अंदर आपको कलर ओएस 12 के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया में और ग्लोबली ये स्मार्टफोन आपको ऑक्सीजन ओएस 12 के साथ देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ अगर कैमराज की बात करें तो यहां पर आपको टिपिकल नोड सीई की तरह कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। मतलब यहां पर आपको कैमरा के मामले में कोई भी अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर आपको वही नोड सीई की तरह ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि आपको ओमनीविजन सेंसर के साथ देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको वही एक 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहां पर आपको सामने की तरफ एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहां पर आपको रियर कैमरा में OIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसके साथ आप 4K 30fps पे और फुल HD 60fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और अगर फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहां पर आपको फ्रंट कैमरा में EIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसके साथ आपको 4K का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर आप फ्रंट कैमरे से फुल HD 30fps पे ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे।
लेकिन बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको एक 4500 mAh का डिसेंट बैटरी देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको एक 6 नैनोमीटर वाला चिपसेट देखने को मिलता है, ऊपर से यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर आपको बैटरी कंजप्शन के मामले में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। ये स्मार्टफोन आराम से आपको 1 से 2 दिन तक बैटरी बैकअप निकल के दे देगा, लेकिन फिर भी अगर आपका स्मार्टफोन डिस्चार्ज होता है तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स एक 65 वाट का सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, और चार्ज करने के लिए आपको नीचे की साइड में एक USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा, और उसी के साइड में हमारा प्यारा दुलारा 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा। और अगर ऑडियो आउटपुट की बात करें तो यहां पर मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा, क्योंकि यहां पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर आपको सिंगल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेगा, और उसी के साथ यहां पर आपको रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। और अगर कलर वेरिएंट की बात करें तो यह स्मार्टफोन आपको ग्रे कलर में और ऑलिव ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा। फाइनली अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये स्मार्टफोन आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। पहला वाला जो सबसे बेस वेरिएंट है, यहाँ पर आपको कोई भी 6GB रैम वाला बेस वेरिएंट देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको 6GB के जगह 8GB रैम के साथ 128GB वाला स्टोरेज देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको 8GB रैम के साथ 256GB वाला स्टोरेज देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो इन दोनों का जो सबसे हायर वाला वेरिएंट है वो है 12GB रैम प्लस 256GB वाला स्टोरेज। प्राइस की बात करें तो लीक्स के अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि इसका जो बेस वेरिएंट है ये आपको 24 से 25,000 के अंदर देखने को मिलेगा, और अगर लॉन्च रेट की बात करें तो लीक्स के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन आपको आने वाले साल के अंदर फरवरी या फिर मार्च के अंदर देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, ये था OnePlus Note 2 CE के बारे में। आपको क्या लगता है स्मार्टफोन के बारे में मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो भाई प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कीजिए, और भाई जाते जाते प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस, बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।